Ingresing esta. H. E का पावर इंटीग्रेशन की दिया. ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बहुत सिंपल है कि E जो दिखाई दे रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है और E के पावर पर उसको रख देना है. तो सिस्टम का नाम क्या पड़ेगा? और इस हर साल इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है. ठीक है, ऐसा ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देता है और कहता है कहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, क्या ऑप्शन दिया रहेगा, वो सही रहेगा तीन वो और चले वो. तो पहला काम यह हम करते हैं और दूसरा काम क्या है कि इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में गुणा किया जाता है. मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन बाई आई एफ का अर्थ क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो जब गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा? ई ई डी एक्स इंटू डी वाई बाई, इसमें यही ना डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें गुणा कर दिया जा रहा है. पी वाई इंटू इंटीग्रेशन डी पी डी एक्स डी का पावर पी डी एक्स बराबर कितना? क्यू गुना ई का पावर डी डी एक्स. ये जब समझ में आया जाइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में गुणा कर. ठीक है, तो ये थ्योरी आपको पता नजर आ रहा है लेकिन सवाल बड़ी आसानी से बनेगा. इसमें है तो कुछ नहीं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया गया. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बाया भी गुना हुआ और दाया भी हुआ. अब इस बाय वाले को देखिए ध्यान से, ये भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट नजर आएगा. जब बाया वाला पूरा जो है वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन है, ये नहीं समझ में आया होगा. इसका यह डिफरेंशिएशन है, अब हम आपको समझाते हैं कैसे डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल याद है? अच्छा पहले बताइए, साइन एक्स